हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, आ जाओ जल्दी से। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपकी एक नई क्लास लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं, 16 से लेकर के 20 दिसंबर तक आपकी मास्टर क्लास चलने वाली है। तो मास्टर क्लास में हम आप सभी को मास्टर बनाने वाले हैं मैथ के। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली क्लास में हमने देखा था पेरीमीटर यानी कि परिमाप देखा था, आयत पढ़ रहे हैं हम सभी, रेक्टेंगल, है ना। हमने आपको पहली क्लास में कहा था कि हम रेक्टेंगल का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे, उसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, कैसे कैसे उसमें क्या होता है, सब कुछ दिखाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपने पिछली क्लास में बहुत कुछ देख लिया होगा, है ना। तो जल्दी से जो भी छात्र छात्राएं नए नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि हम ये बताना आपको भूल जाते हैं हर एक क्लास में और आप बाद में परेशान होते हो क्योंकि क्लास नहीं मिलती है। जल्दी से इसको कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलने से पहले आपके लिए दिन की शुरुआत करते हैं। समय, सत्ता और संपत्ति, शरीर, साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो ख्याल रखिएगा, चलते हैं। आज का टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। आपने सुना होगा अक्सर लोगों के मुंह से कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कौन से क्षेत्रफल में रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यही मतलब हुआ। जैसे अगर आप किसी टावर के पास रहते हैं तो कहते हैं टावर वाले गली में या उधर पास में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर उससे कोई रिलेशन नहीं है। हम आपको चलते हैं चतुर्भुज में लेकर के। क्षेत्रफल की डेफिनेशन अगर देखें, परिभाषा देखें, तो आप सभी सुन लीजिए और लिख लीजिए। किसी भी आकृति के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है, चाहे जो भी आकृति दी गई है। ये परिभाषा एक मास्टर परिभाषा एक प्रकार से। जरूरी नहीं कि हम आपको इसको सिर्फ रेक्टेंगल के लिए बता रहे हैं, इसको आप वर्ग के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, किसी भी आकृति के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी भी आकृति की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए रेक्टेंगल की अगर बात करें, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 7 सेंटीमीटर है और इसका ब्रॉथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब अगर आपसे कोई इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, आप लोग अक्सर बता देंगे। देखिए, हम फार्मूला कभी रटाते नहीं हैं, फार्मूला आप खुद बना लोगे। तरीका अगर हम सिखा देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप फार्मूला खुद बना लेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है ये। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें अपने देसी भाषा में तो वो क्या होगा, हमने कहा लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, ये 7 है ये 4 है, इक्वल हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर कहाँ से आ जाता है, ये लफड़ा कहाँ से होता है। चूँकि ये 7 सेंटीमीटर में है और 4 जो है वो सेंटीमीटर में है, हमने आपको चर पद पढ़ाया था एडवांस मैथ में, वेरिएबल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर ए का ए में गुणा करोगे तो ए के घात जुड़ करके एक घात 2 हो जाती है। उस तरह से ये सभी वेरिएबल हैं सी और एम, इनका मल्टीपल होता है तो 1 1 पावर 8 होके 2 पावर हो जाता है। तो ये तो था एक प्रकार से देसी भाषा में आपने समझ लिया, लेकिन इसको अब हम आपको विदेशी भाषा में समझाते हैं, मतलब किताबी भाषा में। किताबी भाषा में क्या होता है साथियों, जैसे कि एक रेक्टेंगल हमने लिया है, एक आयत लिया है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में इसको ऐसे लिख देते हैं एल इंटू बी। क्या लिख देते हैं, एल इंटू बी, यानी कि ए इक्वल एल इंटू बी, जहाँ ए इक्वल एरिया, एल इक्वल लेंथ, बी इक्वल ब्रॉथ, है ना, बात पक्की। तो चलिए यहाँ ए इक्वल हो जाएगा लेंथ 7 और बी हो जाएगा 4, तो इसमें कुछ दूसरा नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। तो ये था आयत का क्षेत्रफल। लेकिन इतना ही नहीं, अभी इसी में कुछ लफड़ा वाले सवाल आ जाते हैं थोड़ा उल्टे पुल्टे करके, तो उनको कैसे आप करोगे, वही सब तो हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को पूरा देखना, बिल्कुल बीच में मिस नहीं करना, भागना मत छोड़ के, है ना। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगर इसी में हम आपको बोल दें कि साथियों इसमें जो क्षेत्रफल है ना वो थोड़ा सा बदल देते हैं हम, अगर थोड़ा सा बदल दें तो क्या होगा, सोचा है कभी आपने, थोड़ा सा बदलने से यहाँ ज़िंदगी बदल जाती है, तो ये सवाल तो बदल ही जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे। जैसे इसकी अगर लंबाई हमने मान लिया कि 7.2 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है,
है ना। और इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत छोटी है, 0.6 सेंटीमीटर है। अब अगर इसका कोई एरिया पूछे तो क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल एल इंटू बी, एल 7.2, बी 0.6। अब यहाँ मुसीबत आएगी, अगर आपको ये मैथ नहीं आती बेसिक जीरो लेवल वाली ना, तब आप इसी में लटक जाओगे और लटके ही रहोगे। अगर आपने नहीं देखा बेसिक क्लास तो आप देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है पी वी आर स्टडी के चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाइए जीरो लेवल मैथ के अंतर्गत, सब देख लीजिए एक तरफ से। चलिए इसको देखते हैं साथियों। इसमें हमने आपको बताया था कि पहले आप दशमलव को भुला जाइए, दशमलव को भुला करके कर लीजिए, तो ये गुणा करना आप जानते हो है ना, 6 × 12 हासिल 1, 6 × 7 = 42, 1 = 43। अगर नहीं आता तो बताइएगा, बेसिक मैथ में हम इसको भी सिखाते हैं, 1 1 2 2 2 5 कैसे होता है ये सब सिखाते हैं है ना, 2 2 4 होता है, 5 नहीं होता है। चलिए तो इस तरह से आपका ये कितना हो जाएगा, 432 है ना, 6 × 12 और 6 × 7 = 42, 1 = 43, यही तो होगा ना। लेकिन यहाँ दशमलव एक अंक पर लगा था, यहाँ पर एक अंक पर लगा था, तो ये दशमलव 2 अंक पर हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है यार, ये 7 रुपया 20 पैसा है, ये 60 पैसा है, तो ये बताओ 7 रुपया 20 पैसा है और 60 पैसा है, गुणा कर दोगे तो क्या 432 रुपया हो जाएगा? अरे ये तो फिर आसमान टूट जाएगा इसे होने लगेगा तो, है ना। तो क्या होगा, ये 4 रुपया 32 पैसा होगा, लेकिन तब भी तो गलत हो जाएगा अगर इस तरह से होगा तो, कि सही होगा? ट्राई करके देखिए एक बार, फिर बताइए, देखते हैं इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है क्या। देखिए एक काम इसमें हो सकता है, वो क्या है कि इसे आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, बाकी और सब ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं लास्ट में, इस तरह से आपका आ गया। चलिए हम आपको इसको दिखा देते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। ये तो इसका आंसर हो गया, फिलहाल ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 4.32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए साथियों, अभी जो हमारे दिमाग में आ रही थी, आपके दिमाग में भी आ रही होगी वो बात कि भाई 7 रुपया 20 पैसा का गुणा जब 60 पैसा में हुआ तो ये कम क्यों हो गया। देखिए कम क्यों हो जाता है, उसका रीज़न है चूँकि आप जानते हैं ना, अगर अच्छे की संगति करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे की संगति करेंगे तो बुरा होगा। मतलब ऊपर उठने वाली कोई चीज़ पकड़ेंगे तो आप ऊपर को जाएंगे, अगर ज़मीन में घुसने वाली चीज़ पकड़ेंगे तो आप भी घुस जाएंगे, है ना। तो आइए दिखाते हैं कैसे। जैसे 4 का मल्टीपल करना है आपको, किस में करना है, 4 का मल्टीपल 1/2 में करना है। तो अब आप कहोगे कि भाई गुणा कर रहे हो तो 4 से तो ज़्यादा हो जाना चाहिए। जैसे हमारे दिमाग में आ रहा था कि 7 20 से गुणा कर रहे हैं तो 7 रुपया 20 पैसा का गुणा 60 पैसा में कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्यों आएगा? यहाँ पर देखो, अगर इसका आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब हमने गुणा तो 4 से किया लेकिन हमें मिला उसका आधा, क्यों? क्योंकि गुणा ही हमने ऐसे संख्या में किया था जो पहले से ऑलरेडी नीचे को जा रहा था, है ना। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपका आंसर सही है, बस तरीका सही होना चाहिए। साथियों एक बात आपको इसमें हम और भी बताने वाले हैं जो कि आपको बड़ी ही अजीब से लगने वाली है। हम सभी पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई कुछ दूसरे रूप में आ जाए, अलग वेशभूषा में आ जाए, एक एक्स वाई हो जाए और दूसरा का हो जाए वाई जेड हो जाए, अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर इसमें हम 5 लिख दे रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताइए 5 का A नंबर अगर सही होगा तो यक्स वाई जेड, अगर B नंबर सही होगा तो यक्स वाई जेड का स्क्वायर, C नंबर सही होगा तो यक्स वाई जेड और D नंबर सही होगा तो यक्स का स्क्वायर वाई जेड, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बार कोशिश करके तो देखो ना, बहुत मज़ा आएगा है ना। चलिए देखिए, बहुत से छात्र छात्राओं ने कोशिश कर लिया है, कुछ तो चुपचाप शर्मा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे जी, जिसको नहीं आ रहा या वो नो लिख के कमेंट करिए, जल्दी करें। और जिसको कुछ नहीं आ रहा ना, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, कम से कम ये तो कर लो ना, बाकी काम तो और लोग कर ही रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, एरिया हम निकालेंगे तो लंबाई का गुणा करेंगे यक्स वाई और फिर चौड़ाई का गुणा करेंगे वाई जेड।
हमने आपको बताया है वेरिएबल वाले रूल में कि सजातीय सजातीय पदों का गुणा हो जाता है, यानी कि उनका मल्टीपल हो जाता है लाइक टर्म्स जो होते हैं। एक्स का एक्स में गुणा करोगे, यहाँ कहीं एक्स है ही नहीं तो केवल एक्स रहेगा। वाई का इस वाई में गुणा करोगे, एक एक घात है तो साथियों ये दो घात हो जाएगा, एक ही जेड है अकेले बेचारा तो ये जेड रहेगा, एक्स वाई का स्क्वायर जेड आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये मास्टर क्लास आपने देखा पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर। अगर आपने इस क्लास को फेसबुक पर देखा तो कृपया पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी तुरंत लाइक करें। और इतना ही नहीं, अगर आपने अभी तक पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ऐसा भूल कतई मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कल की अगली क्लास आपको इसी चैनल पर मिले। हाँ, ये कोई भरोसा नहीं है, आज की क्लास आपने पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर देखा तो कल की इस पे ना मिले। कुछ क्लास पीवीआर स्टडी ग्रुप पर होती हैं तो कुछ पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर होती हैं। और पेड वाली क्लास का 80% फ्री में देखने के लिए पीवीआर स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें। फेसबुक पर पीवीआर स्टडी सर्च करें, वहाँ पर बकायदा एक पेज मिलेगा, लोगो लगा होगा, वहाँ पर बहुत कुछ होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, फ्री के कोर्स मिलेंगे। तो फेसबुक पर लाइक कर लेना है पेज को और फॉलो कर लेना है। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं फिर अगली सेशन में। जय हिंद। और हाँ, चलते चलते आपको याद दिला दें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अगली लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। 16 से लेकर के 20 दिसंबर तक ये मास्टर क्लास चलेगी सुबह 5 बजे से। 5 बजे के बाद आप इसे कभी भी देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, दिन भर चाहे जब देखो, सुबह शाम दिन रात।